वेलकम टू माई चैनल। क्या आप लोगों को मेरी तरह हॉलीवुड के एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। आज मैं आप लोगों को टॉप 5 हॉलीवुड के एक्शन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, तो बिना किसी को मुक्का मारे चलिए शुरू करते हैं। IMDb रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है। इसी महीने रिलीज हुई फिल्म एम्बुलेंस। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल बे ने, जो कि एक एक्शन डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी लास्ट मूवी 6 अंडरग्राउंड थी। इस मूवी में हमें दो भाइयों की कहानी दिखाई जाती है। मूवी बेस्ड है बैंक रॉबरी के ऊपर। इसमें बहुत सारा एक्शन दिखाया गया है। इस मूवी के एक्शन सीन आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। माइंड ब्लोइंग कैमरा वर्क आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। कई ड्रोन शॉट ऐसे है जो आपके होश उड़ा सकते हैं। इसमें डाला गया बैकग्राउंड स्कोर और कैची एक्शन सीन स्टोरी को जरा भी बोर नहीं करते। जैक जिलेनहॉल और याह्या अब्दुल मतीनी सेकेंड, इनका काम इस मूवी में बहुत बढ़िया है। 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ सेकेंड नंबर पर है DC कॉमिक की मूवी द बैटमैन। इस मूवी के बारे में क्या ही बोलूं, जो DC कॉमिक के फैन है वो इस मूवी के हिस्से जानते हैं। हमें कितने सालों बाद बैटमैन की सोलो मूवी देखने मिली है और इसमें रॉबर्ट पैटिंसन ने जो काम किया है वो कई मायने में हाई पिच्ड है। इसमें डाले गए एक्शन की बात करूँ तो हमें एक डार्क स्केल पर चलता हुआ एक्शन देखने मिलता है। ज़्यादा एक्शन सीन इस मूवी में नहीं है। स्लो ड्रामा के चलते मूवी आपको थोड़ा बोर कर सकती है, पर जो भी एक्शन सीन है वो दिल को ठंडक जरूर देते हैं। मूवी को डायरेक्ट किया और ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के डायरेक्टर मैट रीव्स ने। 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर है एक्शन और कॉमेडी से भरपूर ऑपरेशन फॉर्चून। मूवी मार्च में रिलीज होने वाली थी पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते रिलीज डेट कैंसिल कर दी गई है। हालांकि कोई रिलीज डेट निकल के नहीं आ रही है, पर मई के एंड में हमें ये मूवी देखने मिलेगी। मूवी को डायरेक्ट किया है गाय रिची, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म बनाते हैं। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक स्पाई के ऊपर जिसका नाम है ऑर्सन फॉर्चून। एक अमीर आर्म ब्रोकर डेडली वेपन की डीलिंग कर रहा है और उसे रोकने की जिम्मेदारी ऑर्सन फॉर्चून के ऊपर होती है। इस दुनिया बचाने के मिशन में उसे एक टीम मदद करती है। मूवी में हमें एक्शन से पैक्ड कॉमेडी देखने मिलेगी। 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर है मूवी द कॉन्ट्रैक्टर। मूवी में हमें जेम्स हार्पर की कहानी दिखाई जाती है, जो कि एक स्पेशल फोर्स सार्जेंट होता है। आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद उसे करने के लिए कुछ काम नहीं होता, तो वो एक प्राइवेट अंडरग्राउंड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। उसके पहले ही मिशन में वो असफल होता है और उसके पीछे पुलिस लग जाती है। जिसने उसे धोखा दिया है उसे पकड़ने के लिए उसे अंडरग्राउंड होना पड़ता है। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, वही अमेरिकन स्टाइल एजेंट के ऊपर बेस्ड मूवी होती है उसी तरह भी मूवी बनाई गई है। एक्शन की बात करूं तो कुछ एक्शन सीन ऐसे हैं जो वाकई देखने लायक है। मूवी आपको शायद से बोर कर सकती है। मूवी को डायरेक्ट किया है तारिक सलेह ने। 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ पांचवें नंबर पर है एक्शन कॉमेडी और एडवेंचर मूवी द लॉस्ट सिटी। मूवी में सैंड्रा बुलॉक, चैनिंग टैटुम, डैनियल रैडक्लिफ और ब्रैड पिट की मेन भूमिका है। मूवी पूरी तरह से कॉमेडी है और इसमें वन लाइनर डायलॉग के चलते कुछ सीन में आपको हंसी भी आएगी। जो थोड़ा बहुत एक्शन है वो आपको लुभाता जरूर है। आपने टॉम राइडर जैसी फिल्म देखी जरूर होगी। द लॉस्ट सिटी उसी मूवीज की वाइब को जिंदा करती है। कहानी एक लेडी ऑथर की है जिसने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ डी। इस लेडी ऑथर का किरदार सैंड्रा बुलॉक ने प्ले किया है। उस किताब की कहानी का फिक्शनल कैरेक्टर डैश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल की जरूरत होती है जिसका नाम एलन होता है। इस कैरेक्टर को चैनिंग टैटुम ने प्ले किया है, जो कि एक मॉडल होता है। अब कहानी में विलन की एंट्री होती है और एक कैरेक्टर डेनियल रेडक्लिफ ने प्ले किया है। मूवी में जो एक्शन है वो ठीक ठाक है। मूवी को डायरेक्ट किया है एरन और एडम नी। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। और वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।